हेलो एवरीवन वेलकम टू सोमो इन्वेस्टिंग आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो साल 1979 में शुरू हुई थी और आज ये कंपनी ब्रांडेड जेनेरिक्स मेडिसिन फील्ड में अफोर्डेबल और इनोवेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करने में काफी फेमस है ये कंपनी बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और कंपनी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट आर एंड डी सेंटर्स से है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के अंदर अहमदाबाद में है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टोटली जेनरिक्स ब्रांडेड जेनरिक्स स्पेशलिटी ओवर द काउंटर मेडिसिन की तरफ फोकस्ड है जिसके अंदर नॉन बीटा लैक्टम टैबलेट्स हार्ट जिलेटिन कैप्सूल्स ड्राई सिरप्स लिक्विड ओरल सिरप्स लिक्विड वायल्स इंजेक्टेबल्स पाउडर इन सैचेट सस्पेंशन सेमी सॉलिड क्रीम्स जेल ऑइनमेंट और स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल स्प्रे फॉर्मेशन जैसे फॉर्म्स अवेलेबल है कंपनी का मेन फोकस एरिया एंटी इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम गायनोकोलॉजी कार्डियो एंड सी एन एस एंटी डायबिटिक एंटी मलेरिया टाइप मेडिसिन सेगमेंट की तरफ है इन सब के अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लाइफ स्टाइल एंड क्रोनिक सेगमेंट की तरफ एक्सपेंड कर रही है जहाँ पे मेनली वुमेन्स हेल्थ केयर एंड टोलॉजी के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है लाइफस्टाइल मेडिसिन सेगमेंट के अंदर आता है एंटी डायबिटिक एंटी हाइपरटेंसिव एंड डाइस्लिपिडेमिक मेडिसिन अभी तक कंपनी ने 1700 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लिया है और इसके पीछे 700 प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं जो कि इन द पाइपलाइन है टिल डेट द कंपनी हैज थ्री 300 प्लस फार्मुलेशन इन 15 एरियाज कंपनी ने अपने डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस काफी एक्सपेंड किया है एंड नाउ इट्स कवरिंग ओवर 80 परसेंट ऑफ आर कंट्री विथ 26 सिक्स स्टेट्स इन इंडिया और अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो सिक्सटी प्लस कंट्री पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है जिसमें यूरोप कनाडा, लैटिन एंड नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका एशिया पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया के काफी कंट्रीज शामिल है कंपनी ने रिसेंटली कैनेडियन मार्केट में एंटर किया है और टीजी ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन जीएमपी जैसे अप्रूवल के साथ कंपनी अगले आने वाले दो तीन सालों के अंदर अपने एक्सपोर्ट मार्केट को नाइन्टी प्लस कंट्री तक एक्सपेंड करने में लगा हुआ है दोस्तों इस कंपनी का नाम है लिंकवेल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यह बी एस सी एंड एन एस सी दोनों जगह आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट से कंपनी का ऑलमोस्ट सिक्सेंट रेवेन्यू जनरेट होती है और डोमेस्टिक मार्केट से ऑलमोस्ट थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास दो यूनिट जो की खतराज में है जो की गुजरात की अहमदाबाद के अंदर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है तीसरा यूनिट जो है वो गुजरात के महसाना में है सेप्टेम्बर दो 2021 में कंपनी ने सेफालोस्पोरिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस महसाना वाली प्लांट को एक्वायर किया था और उस प्लांट में अभी तक तो कमर्शियल प्रोडक्शन चालू है ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2024 के एंड तक महसाना वाली प्लांट से अराउंड डेढ़ सौ करोड़ की एडिशनल सेल्स कंपनी जनरेट कर लेगी दोस्तों इस कंपनी का जो मेन और सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेगमेंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का आर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्यूकी कंपनी के पास डीएसआईआर अप्रूव आर एनडी फेसिलिटीज है जहाँ पे स से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। टोटल जो टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो 75 प्लस प्रोफेशनल से भरा हुआ है इसी स्ट्रॉन्ग आर एनडी क्रीम के साथ कंपनी ने अब तक कुल 25 से भी ज्यादा का पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर चुका है जिसमें से सात पेटेंट्स कंपनी का अप्रूवल भी मिल चुका है चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अच्छे से चेक कर लेते हैं तो ये रही आपके सामने कंपनी के पिछले पांच साल का सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा सेल्स 2020 में था 386 करोड़ रूपीज के आसपास वहां से कंपनी पांच सालों तक अपने सेल्स को काफी इंक्रीज किया है और 2024 तक ये सेल्स फाइव करोड़ रूपीज के आसपास चली गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है इस पांच सालों में लेकिन ऑलमोस्ट अठारह हम इसको एवरेज मान के चल सकते हैं जो की काफी अच्छा नंबर है और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो फिफ्टी करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट था साल 2020 में और वहां से कंपनी अपने कंपनी ने 2024 में रजिस्टर करी है उस हिसाब से देखे तो पिछले पांच साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल के आता है वो है टेन और तीन साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ग्रोथन परसेंट पांच साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, निकल, ग्रोथ निकल के आता है और तीन साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी फोर्टीन निकल के आता है चलिए अब हम कंपनी के दूसरे पैरामीटर्स को भी चेक कर लेते हैं आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीज के आसपास है मतलब ये एक बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है कंपनी का पी है 14.9 जो कि काफी अट्रैक्टिव है और पेग रेशियो के हिसाब से देखें तो ये कंपनी का पी जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है ना तो ओवर है ना तो अंडर है आरो है ट्वेंटी टू है सेवेंटीन दोनों ही नंबर काफी अच्छे है बस आर थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए कंपनी के ऊपर कुछ भी डेब्ट है ही नहीं सिर्फ एक करोड़ का डेब्ट है टू इक्विटी भी जीरो है लेकिन जो कैश रिजर्व है वो 573 करोड़ रुपीज का रिजर्व कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है प्रमोटर होल्डिंग आज के डेट में है 49.8 परसेंट कोई भी शेयर प्लेज नहीं है प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.46 और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है दोनों ही नंबर काफी बेहतरीन और अट्रैक्टिव है

सिटिकल्स कंपनी का जो आर है वो काफी स्ट्रांग है और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि कंपनी ने लगातार बहुत सारी पेटेंट की एप्लीकेशन कर रही है और उसमें से कुछ पेटेंट कंपनी को अप्रूव भी हो रहा है उसके ऊपर ये एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है जिसके ग्रोथ पार्ट अभी भी बहुत ज्यादा बचा हुआ है और पिछले पांच सालों में जिस तरह से ये कंपनी अपने सेल्स और को लगातार इंक्रीज कर रही है उसे देखकर मुझे पर्सनली लगता है की डेफिनेटली लिंकवेल एंड फार्मास्यूटिकल्स लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन इस बात को आप मेरी तरफ से किसी भी तरीके का कोई स्टॉक टिप्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी मत समझिए और ना ही मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद एक बार अच्छे से जरूर रिसर्च करें या फिर कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया